दूसरी चीज ये सोचिए ना आप कि वहाँ पे ये चीजें हो रही है लेकिन यहाँ के कुछ गोबर भक्त जो है ये अब ज्यादा फैला रहे हैं कि हिंदुओं को वहाँ पे ये किया जा रहा है वो क्या। वहाँ से दूसरी तस्वीर ये भी आ रही है कि वहाँ के मंदिरों को स्टूडेंट और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। मंदिरों को तोड़ा नहीं जा रहा, सिर्फ तोड़ा जा रहा है वही आप देखिए। और जो पहरा दे रहे हैं मंदिर के बाहर, जो मुसलमान पहरा दे रहे हैं मंदिर के बाहर, जो स्टूडेंट पहरा दे रहे हैं मंदिर के बाहर, तो सिर्फ निगेटिव चीजों को ही क्यों दिखाया जा रहा है, पॉजिटिव चीजों को वहाँ की क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ है या हो रहा है वो सब खबरें सुनकर काफी ज्यादा अफसोस भी होता है, लेकिन ऐसे मौकों का फायदा उठाने में अंधभक्त पीछे कैसे रह सकते हैं। इस वीडियो में एक अकेली लड़की ने इन सारे अंधभक्तों को बहुत अच्छी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो मुझे तो बहुत मजा आता है जब इन अंधभक्तों की अच्छी तरीके से धुलाई होती है। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरी देखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की धरती कर रही है पुकार, भाग रोहिंग्या भाग, भाग रोहिंग्या भाग, भाग रोहिंग्या भाग। कौन है, क्यों है? बांग्लादेश फाइल बन रही है, लाइव बांग्लादेश फाइल, जिसका कोई टिकट नहीं लग रहा है। बढ़वा सेकुलर, देखो आंख खोलो, भविष्य है तुम्हारा ये बांग्लादेश फाइल। सुन बे बैंक के टक्के, कुल्ला चैलेंज करता हूँ, अगर कोई आतंकवादी मेरे घर के दरवाजे पे आएगा तो मैं किसी पुलिस और किसी कानून के पास नहीं जाऊंगा, उन आतंकवादियों को स्वयं मारने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अब नहीं हिंदू जागेगा तो 2024 की पिक्चर देखकर देश छोड़ के भागेगा। आपको बांग्लादेश में काटा गया, कुछ समय पाकिस्तान में, कुछ समय पहले पाकिस्तान में काटा गया था, उससे पहले अफगानिस्तान में काटा गया, श्रीलंका में काटा गया। अबे क्यों इतना चिल्ला रही है तू, गला फाड़ फाड़ के? तेरा मुंह तो पहले से ही ऑलरेडी इतना बड़ा है खाने वाला, और ज्यादा चिल्लाएगी तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर तो तेरा मुंह ऐसा लगेगा खाने वाला जैसा हथनी जैसा मुंह हो। आपको कश्मीर में काटा गया, आपको पूरे भारत में ऑप्शन दिए जाएंगे कि ये रही कुरान, ये रही गीता, अगर गीता पे सर रखा तो काट दिए जाओगे, कुरान पे सर रखा तो जिंदा छोड़ दिए जाओगे। काम बोलेगा काम, सॉरी सॉरी। आज हमारा विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं? अबे क्या कह रहा है, बोलेगा भी तू या यही करता रहेगा? क्या कह रहा, क्या कह रहा? कि देश के अंदर ये क्रांति आई है, बांग्लादेश के अंदर तख्त बदल दिया, ताज बदल दिया। अगर तख्त बदलना, ताज बदलना, इसे आप युवा शक्ति को कहना और देश को बताना बता रहे हैं कि अगर ऐसी युवा शक्ति है तो मैं सारे विपक्ष से कहना चाहूंगा, कान खोलकर और आंख खोलकर। अबे आंख खोल के और कान खोल कर ही सुनने, लेकिन तेरी बात हमारे समझ में कुछ नहीं आ रही है। लेकिन जो तुझे हम वीडियो दिखाएंगे तू उसे देखना, और तू आंख और कान दोनों ही खोल के देखना, और जितने भी सुराग हैं सबको खोल लेना। चल देख वीडियो के लिए। पहले प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। बांग्लादेश में जो हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है, बांग्लादेश में शेख हसीना और वहाँ के स्टूडेंट के बीच का लड़ाई है। और जो आपको तो पता है कि आप स्टूडेंट के आंदोलन को दबाने की कोशिश कीजिएगा तो जब वो आप पे भारी पड़ेंगे तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अब भारत की गलती है, और भी देश उनको जगह दे सकते थे, दे सकते थे, बातें चल रही थी, लेकिन इनकार कर दिया। लेकिन भारत ने जगह दिया है ना। और बताइए, भारत में सबसे ज्यादा हिंदू की संख्या, और दूसरी चीज ये सोचिए ना आप कि वहाँ पे ये चीजें हो रही है लेकिन यहाँ के कुछ गोबर भक्त जो है ये अब ज्यादा फैला रहे हैं कि हिंदुओं को वहाँ पे ये किया जा रहा है वो क्या। वहाँ से दूसरी तस्वीर ये भी आ रही है कि वहाँ के मंदिरों को स्टूडेंट और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। मंदिरों को तोड़ा नहीं जा रहा, सिर्फ तोड़ा जा रहा है वही आप देखिए। और जो पहरा दे रहे हैं मंदिर के बाहर, जो मुसलमान पहरा दे रहे हैं मंदिर के बाहर, जो स्टूडेंट पहरा दे रहे हैं मंदिर के बाहर, तो सिर्फ निगेटिव चीजों को ही क्यों दिखाया जा रहा है, पॉजिटिव चीजों को वहाँ की क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। बात तो सही है। और दूसरी चीज ये बोलेंगे कि भाई हम ये बस जानना चाहेंगे कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है तो हमारे भारत में उस चीज का प्रभाव क्यों पड़ेगा, यहाँ के लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको बांग्लादेश के हिंदू को बचाना है। भाई अगर तुमको बचाना ही है ना तो तुम लोग चले जाओ ना बांग्लादेश, यहाँ पे प्रोटेस्ट करके तुम लोग को क्या फायदा है। बांग्लादेश में जाके चिल्लाओ, बांग्लादेश में चले जाओ, यहाँ से जितने भी जो जो हिंदू संगठन जो बोल रहे हैं कि हम बांग्लादेश को बचाएंगे वो यहाँ से उठ के चले जाए बांग्लादेश बचाने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। यहाँ पे क्यों हिंदू मुस्लिम भड़का रहे, वो उन लोगों के प्रोटेस्ट के वजह से यहाँ के हिंदू के मुसलमान के बीच में दंगा।
का जवाब दिया हमारी बहन ने और बिल्कुल धाकड़ तरीके से अंधभक्तों को जवाब दिया है। और ऐसा होता है ना कि इन अंधभक्तों को जब लगता है ना कि सामने वाला तुम्हारे बेबुनियाद सवालों के जवाब देने के लिए खड़ा है और तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़ा है, तो ये वहां से मुंह दबाकर भागने में ही अपनी भलाई समझते हैं। और ये अंधभक्त ये भी जानते हैं कि हमारे देश में लड़कियों के साथ कितना कुछ हो रहा है, उनके साथ रेप हो रहा है, फिर उनको बेरहमी से मार दिया जाता है। उन बातों पे इन अंधभक्तों की जबान बंद हो जाती है। तो जहां पर लोग उन लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए खड़े होते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, वहां पर ये अंधभक्त आपने देखा होगा कभी दिखाई नहीं देते। तो सोचने वाली बात है कि हमारी भारत की बेटियों को इंसाफ दिलाने में ये अंधभक्त क्यों खड़े हुए मिलेंगे, क्योंकि इनको इस चीज़ के पैसे नहीं मिलते। इनको तो सिर्फ हिंदू मुसलमानों में लड़ाई करवाने के पैसे मिलते हैं, देश में दंगे भड़काने के पैसे मिलते हैं। और ये बात बहुत अच्छी कही हमारी बहन ने कि जो बांग्लादेश में मुसलमान अच्छा काम कर रहे हैं उसको तो दिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ नेगेटिव अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि हमारे देश में और ज़्यादा दंगे फैलें और ज़्यादा मुसलमानों में हिंदुओं में लड़ाई हो। तो ये बातें तो अंधभक्तों की समझ में आने वाली है नहीं, क्योंकि ये तो आपको और हमें सबको पता है। आज के लिए इतना ही, अगर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।